स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य हिंदी व्याकरण के लिए चौथा भाग लेके आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसके ढेर सारे पार्ट पहले ही अपलोड कर दिया गया है, आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करें, उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए, आपके सामने इसी तरह एक क्वेश्चन और चार ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे कुल मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखने के बाद 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके देना है। वीडियो खत्म होने के बाद आप हमें ये जरूर बताएंगे कि आपको इन 25 क्वेश्चनों में से कितना आ रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि झूठ मत बोलो। इस वाक्य में जो मत है, ये कौन सा निपात से प्रभावित है, मतलब कि मत में कौन सा निपात है। देखिए, आपको बता दें कि हिंदी ग्रामर में जो निपात होते हैं उनकी संख्या होती है 9, जिसमें होता है बलदायक, सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक और निषेध बोधक। तो यहाँ पे कहा गया है कि झूठ मत बोलो, तो इसमें जो मत है, इसमें जो निपात है, ये है निषेध बोधक। निषेध बोधक कहने का ये मतलब है कि निगेटिव, मतलब कि नकारात्मक। तो कहा गया है कि झूठ मत बोलो, तो यहाँ पे है निषेध बोधक। जैसे कहा जाता है कि मैं भी जानता हूँ, अगर एक ये वाक्य होता कि मैं भी जानता हूँ, जानता हूँ, और पूछा जाता कि इस भी में क्या निपात है, तो यह है बलदायक। अब बलदायक क्यों है, क्योंकि देखिए जो कहने वाला व्यक्ति वो ये कह रहा है कि मैं भी जानता हूँ, केवल तुम नहीं जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मतलब वो बल दे के बोल रहा है। तो निपात होते हैं 9, और जो झूठ मत बोलो में मत है उसमें है निषेध बोधक। आपको इसमें से बताना है कि कौन शुद्ध है। 3 जगह आपको संपूर्ण लिखा हुआ दिया गया है, अगर इन तीनों में से कोई सही नहीं है तो आपको ऑप्शन नंबर डी ट्रिक करना होगा। जो लोग ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपको केवल 2 सेकंड मिलता है। तो देखिए आपके हिसाब से कौन सा उत्तर सही है, कमेंट करके बताइए। सही उत्तर है पहला, संपूर्ण। संपूर्ण इसी तरह लिखा जाता है, इसके अलावा जो बाकी आप देखेंगे 2, ये गलत है। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, ये कौन सा निपात से प्रभावित है। इसमें जो तक है ये कौन सा निपात है। देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो निपात के बारे में ना पढ़े हों, तो अगर आप लुसेंट हिंदी ग्रामर या फिर कोई भी हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको कारक विभक्ति वाले चैप्टर में ये मिल जाता है, आपको अंत में थोड़ा बहुत दिखेगा इसके बारे में। तो इसमें आपको बताना था कि तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, यानी कि कोई व्यक्ति फोर्स करके कह रहा है कि आने तक तुम्हें करनी ही होगी, यानी कि हो जाएगा बलदायक। अगला है कि अगर मगर करना, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है, बेहद आसान क्वेश्चन। तो अगर मगर करना मतलब कि बहाने बनाना, जैसे कि हम कभी किसी से कुछ मांगते हैं तो अगर मगर कर रहा है, यानी कि वो बहाने बना रहा है। इसके अलावा जो कपट करना है, इसका मतलब छल होता है। इधर उधर की बात करना मतलब कि इसका अर्थ दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। पशु पक्षी भी अपना हित समझते हैं, अगर ही हो तो यहाँ पे ही में कौन सा निपात है। जैसे सभी लोग अपना हित समझते हैं, पशु पक्षी ही भी अपना हित समझते हैं, तो इसमें भी होगा बलदायक। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि सन्मति के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, संधि से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, खास करके जो भी यूपी टेट या फिर कोई भी टेट हो या फिर UPSSC का कोई एग्जाम, तो वहाँ पे संधि से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखा जाए तो संधि होती है 3 प्रकार की, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है। सही उत्तर होगा सत्धनमति। सत्धनमति बराबर हो जाता है सन्मति, और ये क्या है, तो ये है व्यंजन संधि। देखिए, देखा जाए तो पहले के जो एग्जाम होते थे उसमें स्वर संधि के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन फिलहाल जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे व्यंजन संधि के क्वेश्चन मिल रहे हैं ज़्यादा। तो इसलिए आपको अच्छे से इन चैप्टरों को कवर करने की ज़रूरत है। अगर आपको संधि पढ़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर दाएं तरफ यहाँ पे जो आई का बटन है उसे दबाकर भी आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं। अगला है कि काश आज वर्षा होती।
काश आज वर्षा होती, इसमें जो काश लिखा गया है इसमें कौन सा निपात है? बेहद आसान क्वेश्चन है, सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए यहाँ पे आपको इस चिन्ह पे फोकस करना होगा, जहाँ पे ये चिन्ह लग जाता है वो होता है विस्मय आदि बोधक, जैसे कि आहा वह पिट गया, इस तरह का जो भी होता है वहाँ पे होता है विस्मय आदि बोधक। अगला है कि इनमें आपको बताना है कि कौन वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है कि वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए वृद्धि संधि एक स्वर संधि का भाग है, जैसे कि स्वर संधि में होता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये स्वर संधि के पांच भाग होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इनमें से कह रहा है कि ये बताइए कि कौन वृद्धि नहीं है। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि में जो आपको मिलता है वो या तो आय मिलता है या फिर औ मिलता है। तो अगर आपको इतना पता होगा तब आप आसानी से देख पाएंगे, क्योंकि इसमें भी आय का मंत्रा है, इसमें भी आय का मंत्रा है, इसमें भी औ का मंत्रा है, यानी कि इन तीनों में वृद्धि संधि है, यानी कि इसके लिए सही उत्तर होगा गुरुपदेश। तो ये होगा गुरुपदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, ये आपके लिए क्वेश्चन है और इसका उत्तर कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अगला है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था निपात होते हैं 9 प्रकार के। अगला है कि इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का इसमें से कौन उदाहरण है ये आपको बताना है। संयोग है, पवन, नमस्कार या फिर मनोहर। तो अगर इनमें से देखा जाए सभी को तो सही उत्तर होगा पवन। पवन होता है स्वर संधि। अगर ये पूछ लिया जाए कि स्वर संधि में कौन सी संधि है पवन, तो पवन है अयादि संधि। अयादि संधि, देखिए अगर आपको संधि के चैप्टर में कोई भी दिक्कत है कहीं पर भी, तो यहाँ पे जो ऊपर जो आई बटन है वीडियो खत्म होने के बाद उसे दबाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेगा। या फिर अगर आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, आपको वीडियो कभी ना कभी मिल जाएगी। देखिए पवन का होता है पोधन अन, ये होता है पवन। अगला है कि उर्वरा, यह एक ऐसा शब्द है, इसके लिए अगर हमको कोई वाक्यांश चाहिए तो क्या होगा? उर्वरा हम किसको कहते हैं? तो उर्वरा हम कहते हैं उपजाऊ भूमि को, जो उपजाऊ भूमि होती है उसको हम उर्वरा कहते हैं। देखिए ऊसर मतलब कि यहाँ पर वही है कि ये उपजाऊ नहीं है, समतल मतलब कि इसका तो कोई मतलब ही अलग है, और बंजर मतलब कि ये भी उपजाऊ नहीं है, लेकिन उर्वरा मतलब कि उपजाऊ होता है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है, आपको बताना है व्यंजन संधि किसमें है। तो अगर आप इनमें इनको सबको तोड़ें तभी आपको संधि के बारे में ज्ञान होगा। तो देखिए हिम धन आलय है, नि धन आधार है, तो यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे विसर्ग है, लेकिन यहाँ पे होगा आपका व्यंजन संधि, सत्कार में व्यंजन संधि है। अगला है कि व्याकरण जानने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, व्याकरण जानने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछा जा चुका है। तो इसको कहते हैं व्याकरण, व्याकरण बोलते हैं इसको जो व्याकरण का ज्ञाता हो। आगे बढ़े, अगला है कि उत्धनहार, उत्धनहार को अगर जोड़ा जाए तो इसके योग से कौन सा शब्द बनेगा निम्नलिखित में से, मतलब कि जो यहां पे दिया गया है उसमें से। तो उत्धनहार बराबर होता है उद्धार, इस तरह लिखा जाता है, यहां पे है उद्धार होगा इस तरह। उत्धनहार बराबर क्या होगा? उद्धार। आप अपना आंसर मिलाते रहिए और वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। गाल बजाने का क्या मतलब है? गाल बजाना, तो देखिए पिटाई करना मतलब अलग बात है, गाली देना मतलब अलग बात है, डींग हाँकना ये सही होगा। गाल बजाना मतलब कि डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है,
विसर्ग संधि आपको बताना है। तो देखिए इसमें अगर इसको देखें तो नर धन इंद्र है, सत धन जन है, सदा धन इव है और अतः धन एव है। अतः धन एव यानी कि इसके लिए सही उत्तर होगा एत औ, और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। एत औ एक विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में देखिए होता क्या है कि उसमें विसर्ग आना जरूरी होता है, तो इस हिसाब से एत औ विसर्ग संधि है। अगला है कि सदैव में जो संधि है उसका नाम बताइए। सदैव, तो सदैव में जो संधि है वो है स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। अगला है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। सच्चिदानंद लिखने की कोशिश की गई है, आपको बता देना है कि कौन सा सच्चिदानंद सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए हम 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके दे पाएं, खास करके वो लोग जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे। अगला कि पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन, देखिए दो शब्द होता है पवन और पावन, ये दो शब्द हैं। तो इसमें पूछा गया है पवन का, जो कि स्वर संधि का अयादि संधि है ये, मतलब स्वर संधि का 5वां भाग है ये। तो इसमें होता है पो धन अन, यानी कि हो जाएगा पवन। अगर पौ धन अन हो जाए तो पावन हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन है जो कि शुद्ध है, ये आपको बताना है। सुषुप्ति लिखने की कोशिश की गई है। सुषुप्ति, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। सुषुप्ति इस तरह लिखा जाएगा, सुषुप्ति देख लीजिए इस तरह लिखा जाएगा। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हार्ड शब्द होता है, तो यहाँ पे पूछा गया है सुषुप्ति को। तो चलिए आगे बढ़ें उससे पहले एक और क्वेश्चन, और आप हमें कमेंट करके बताइए सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 6, 7, 8 और 5, ये आपके ऑप्शन है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि दीर्घ संधि युक्त कौन सा पद है, मतलब कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें कि दीर्घ संधि हुई है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर तोड़ा जाए तो महाधन ऋषि महर्षि, दैत्य धन आरि दैत्यारि, सूर्य धन उदय सूर्योदय, देव धन इंद्र देवेंद्र। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दैत्य धन आरि हुआ है, दैत्य धन आरि यानी अ धन अ बराबरे आ हो गया है, अ धन आ बराबरे आ हो गया है। और दीर्घ संधि में यही होता है कि अंतिम में आपको आ मिले, मतलब कि बड़ा मिले, जैसे कि अ या फिर आम जुड़ेगा तब भी आ होगा, या फिर आ धन अ जुड़ेगा तब भी आ होगा, या फिर आ धन आ जुड़ेगा तब भी आ होगा, ये होता है दीर्घ संधि में। तो इस हिसाब से दैत्य धन आरि इसके लिए सही उत्तर है। अगला है और इसमें आपको बताना है सही कौन लिखा गया है। ज्योत्सना लिखने की कोशिश की गई है, कौन सही है ये आपको बताना है। देखिए इस हिसाब से यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है थोड़ा, और ये सही होगा। आपको ये दोनों सेम दिख रहे होंगे, यानी कि इसमें से दोनों ऑप्शन सही है। ज्योत्सना इसी तरह लिखा जाता है, ज्योत्सना आधा स होता है, और ये सही है। अगला है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि, तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, मतलब कि इत्यादि। इति धन आदि बराबर क्या होगा, इत्यादि। अगला है कि दयानंद में कौन सी संधि प्रयोग में लाई गई है। दयानंद, इसका संधि विच्छेद होगा दया धन आनंद। यहां पे आ है, यहां पे आ है, रिजल्ट में भी आ हुआ है, यानी कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। कपीस में कौन सी संधि प्रयोग में लाई गई है ये आपको बताना है। कपीस में,
इस तरह होता है, यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे बड़ी ई है, मिल करके क्या बना है, बड़ी ई। यानी कि जब इस तरह की कंडीशन आए कि छोटी ई और बड़ी ई चाहे कोई भी ई मिल करके बड़ी ई बनाए, तो वहाँ पे होता है दिल संदेह। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अधिकतर क्वेश्चन संधि से रिलेटेड थे और हमने संधि के लिए स्पेशल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।